दोस्तों, तारापीठ मंदिर के रहस्यों के बारे में आप सभी ने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, परंतु आज मैं आपको तारापीठ मंदिर के बारे में जो बातें बताने वाला हूं, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने पहले कभी भी तारापीठ मंदिर के इन रहस्यों के बारे में नहीं सुना होगा, तो वीडियो शुरू करने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ तारा जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सतयुग में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को तारा मंत्र की दीक्षा दी तथा मंत्र सिद्ध कर तारा कृपा लाभ प्राप्त करने की आज्ञा दी, जिससे तारा साधना पद्धति का उद्धार हो सके। पिता की आज्ञा अनुसार वशिष्ठ मुनि सर्वप्रथम नीलांचल पर्वत पर गए और देवी तारा की साधना करने लगे। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने देवी की वैदिक रीति से चिरकाल तक आराधना की, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। बार बार उन्हें असफलता प्राप्त हो रही थी, जिसके कारण विरक्त होकर उन्होंने तारा मंत्र को शापित कर दिया। उसके बाद एक आकाशवाणी हुई, वशिष्ठ, तुम मेरी साधना के स्वरूप को नहीं जानते हो। चीन देश जाओ, वहां बुद्ध मुनि होंगे, उनसे मेरी साधना का सही और उपयुक्त कर्म जानकर, उनसे मेरी साधना की सही पद्धति जानकर मेरी आराधना करो। उस समय केवल भगवान बुद्ध ही इस विद्या के आचार्य माने जाते थे। उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने चीन देश की यात्रा की। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बुद्ध मुनि मदिरा, मांस, मत्स्य और नृत्य करते हुए नर्तकियों में आसक्त है। ये सब देखकर वे खिन्न होकर वहां से वापस लौटने लगे। लौटते हुए मुनि को देखकर भगवान बुद्ध ने उन्हें रुकने के लिए कहा। जैसे ही वशिष्ठ मुनि पीछे मुड़े तो वे चकित हो गए। बुद्ध मुनि शांत ध्यान योग में आसन लगाकर बैठे थे, उसी तरह सभी नर्तकियां भी योग आसन लगाकर बैठी थी। मदिरा, मांस, मत्स्य आदि सभी सामग्री पूजन सामग्री में परिवर्तित हो चुकी थी। बुद्ध मुनि अंतर्यामी थे तथा उन्होंने वशिष्ठ मुनि को आदेश दिया। बैद्यनाथ धाम के 10 योजन पूर्व, वक्रेश्वर के 4 योजन ईशान, जहनवी के 4 योजन पश्चिम, उत्तर वाहिनी द्वारका नदी के पूर्व में सती की उर्ध्वनयन तारा स्थापित है। उस स्थान पर वे सर्वप्रथम पंचमुंडी आसन बनाकर उस स्थान पर तारा मंत्र का 3 लाख जाप करें। साथ ही पंचमाकर विधि से पूजा करने पर तुम मां की कृपा प्राप्त करके उनके साक्षात दर्शन कर सकते हो। वशिष्ठ मुनि ने बुद्ध मुनि के मार्गदर्शन के अनुसार सर्वप्रथम उत्तर वाहिनी द्वारका नदी का संधान किया। उन्होंने वहां श्वेत सुमल वृक्ष के नीचे पंचमुंडी आसन निर्माण किया तथा क्रम अनुसार मां की पूजा आराधना साधना की एवं 3 लाख तारा मंत्र का जाप किया। फलस्वरूप देवी तारा ने उन्हें सर्वप्रथम एक उज्जवल ज्योति बिंदु के रूप में दर्शन दिए और उनसे पूछा, तुम किस रूप में मेरे दर्शन करना चाहते हो? वशिष्ठ मुनि ने कहा, आप जगत जननी है, मैं आपके जगत जननी रूप में ही दर्शन चाहता हूं। इस निवेदन पर भगवान शिव को बालक रूप में अपना दूध पान कराते हुए देवी तारा ने वशिष्ठ मुनि को दर्शन दिए। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला, उस विष का पान भगवान शिव ने किया, परिणाम स्वरूप उनके पूरे शरीर में असहनीय जलन पीड़ा होने लगी। उसके बाद इन्हीं देवी तारा ने जगत जननी का परिचय देते हुए भगवान शिव को बालक बना दिया और अपना अमृतमय स्तन दुग्ध स्तन पान करवाया, जिससे शिव के शरीर की जलन पीड़ा शांत हुई। देवी तारा ने वशिष्ठ मुनि से वर प्राप्त करने हेतु कहा, जिस पर मुनि ने उत्तर दिया, आपके दर्शन ही मेरे लिए सर्वप्रिय है। अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो ये वरदान दीजिए कि आज के बाद से इस आसन पर कोई भी साधक आपके मंत्रों का 3 लाख जाप करके सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। ये निवेदन सुनकर देवी मां ने वशिष्ठ को इच्छा अनुसार वर प्रदान किया तथा जिस रूप में देवी तारा ने वशिष्ठ मुनि को दर्शन दिया था, उनका वही स्वरूप शिला यानी पाषाण में परिवर्तित हो गया। देवी मां को वशिष्ठ आराधिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही उनकी आराधना की थी। आज भी
तारापीठ महाशमशान में स्थित पंचमुंडी आसन पर बैठकर जो साधक 3 लाख तारा मंत्र का जाप करता है, देवी माँ उन्हें दर्शन देने में बाध्य है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने महाशमशान है, उसके बाद द्वारका नदी है। इस नदी में आश्चर्य की बात यह है कि भारत की सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में पड़ता है, जो कि शक्तिपीठ का स्थान है। 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ इसे वीरभूम जिला में है, जो बकुरेश्वर, नालहाटी, बंदकेश्वरी, फ्लोरा देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात है। इसमें से तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और एक सिद्ध पीठ भी है। देवी की 3 आंखों को यहाँ पर देखा जा सकता है, जिसे तारा भी कहा जाता है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा भी यहाँ पर मौजूद है। गर्भगृह में माँ तारा का निवास है, जहाँ एक 3 फीट की धातु निर्मित मूर्ति है। माँ तारा की मौलिक मूर्ति देवी के रौद्र और क्रोधित रूप को दर्शाता है। इसमें माँ तारा को बाल शिव को दूध पिलाते हुए दर्शाया गया है। एक बार रतनगढ़ के प्रसिद्ध वैश्य रमापति अपने पुत्र को लेकर नाव द्वारा व्यापार करने आए थे। तारापीठ के पास उनका पुत्र सर्प काटने से मर गया। उन्होंने अपने पुत्र की मृत देह को दूसरे दिन दाह संस्कार करने के लिए रखा और उस दिन तारापुर में ही ठहर गए। उनके एक सेवक ने उनको तारापीठ के एक बड़े तालाब के पास ले जाकर एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि मरी हुई मछलियां तालाब के जल के स्पर्श करके जीवित होती है। ये देखकर उनको बहुत खुशी हुई और अपने पुत्र के मृत देह को वहां लाकर तालाब में उन्होंने फेंक दिया। उसी समय उसका पुत्र जीवित हो गया। उस दिन से ही उस तालाब का नाम जीवन कुंड पड़ गया। उस व्यापारी ने देखा कि तालाब के पास एक टूटा हुआ मंदिर है, उसमें उन्होंने चंद्रचूर, अनादि शिवलिंग और तारा माँ की मूर्ति देखी। उन्होंने अपने आप को धन्य माना और अपने पैसे से ही उन्होंने मंदिर की मरम्मत कराई और पूजा की। वे वहाँ भगवान नारायण की एक मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, किंतु किसी ऋषि ने कहा कि माँ तारा की देवी की मूर्ति में ही यहाँ पर नारायण की पूजा होगी। काली और कृष्ण अलग अलग नहीं है, उनकी जिस तरह पूजा होनी चाहिए उसी तरह ही उन्होंने पूजा की और काली तथा कृष्ण की मूर्ति के भाव अनुसार एक ही मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई गई। तारापीठ से 2 किलोमीटर दूर एक अटाला गांव है, जहां वामा खेपा का जन्म हुआ था। गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए उन्होंने माँ की आराधना की और अल्पायु में ही सिद्धि प्राप्त की। काली पूजा की रात में वामा खेपा को साधना के दौरान माँ तारा के दर्शन हुए। कहा जाता है कि माँ तारा बाघ की खाल पहने हुए एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए प्रकट हुई। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी थी, उनके केश खुले थे। वामा खेपा के अनुसार माता ने जीभ बाहर निकाल रखा था और वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया था। तारापीठ मंदिर तथा माता के चमत्कार को लेकर कई किस्से मौजूद है। तंत्र साधना के लिए ये स्थान को उपयुक्त बताया गया है। महाशमशान में ही यहाँ तारा देवी का पादपद मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पर आकर मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर वामा खेपा सहित कई संतों की समाधियाँ हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर मुंड मालनी भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि काली माँ अपने गले की मुंड माला यहीं पर रखकर द्वारका नदी में स्नान करने जाती है। ये भी एक शमशान स्थल ही है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यहाँ प्रसाद के तौर पर शराब भी पेश किया जाता है। तांत्रिक साधु इसे न केवल माता को चढ़ाते हैं बल्कि पीते भी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर रोज जानवरों की बलि भी दी जाती है। तंत्र शक्तियों को मानने वालों के लिए कामाख्या की तरह ही तारापीठ का भी बहुत महत्व है। शमशान में जलने वाले शव का धुआं तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक आता है, जिसके कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। तारापीठ आने से तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है। मंदिर के निकट स्थित प्रेतशिला में लोग
पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने भी अपने पिता का तर्पण और पिंड दान किया था। यहाँ देश विदेशों के पर्यटक अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आपने तारापीठ के दर्शन किए हैं तो इससे जुड़े अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा।